सारे विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं वो सब लोग पटना आ रहे हैं, और पटना आप जानते हैं ज्ञान की भूमि रही है, और वहाँ से इमरजेंसी से लेकर के सारे आंदोलन जेपी मूवमेंट सब चला है, तो बदलाव जो है वहाँ से। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं, मैं नीरज द्विवेदी हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की मंशा से 23 जून को बिहार की पटना में होने वाली विपक्षी बैठक की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस मीटिंग का आयोजन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी देखरेख में कर रहे हैं। पूरे देश से 18 भाजपा विरोधी दलों की इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए गुरुवार से ही कई नेता राजधानी पटना पहुंचने लगे हैं। सारे विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं वो सब लोग पटना आ रहे हैं, और पटना आप जानते हैं ज्ञान की भूमि रही है, और वहाँ से इमरजेंसी से लेकर के सारे आंदोलन जेपी मूवमेंट सब चला है। जैसा कि आपने देखा, ये दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर बदलाव बिहार के पटना से ही होगा। बैठक के लिए राहुल गांधी, खड़गे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे विपक्षी नेता पटना पहुंचे। विपक्षी एकता का प्रतीक बनी इस बैठक में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिहार पहुंची और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 5 घंटे की एक बैठक करके नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, क्योंकि विपक्षी दलों का एक होना तो दूर, अब तक मीटिंग शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। देखिए, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का काफिला भी पटना स्थित राजकीय अतिथिशाला पहुंच चुका है। क्या मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आ पाएंगी? क्योंकि बीजेपी विरोधियों की इस महापंचायत में शामिल होने आए सभी नेताओं के एजेंडा अलग अलग हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और ममता की टीएमसी के बीच काफी रस्साकसी है, तो वहीं केजरीवाल सबसे पहले राजधानी दिल्ली के लिए लाए गए मोदी सरकार के अध्यादेश पर सबसे पहले बात करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जनतंत्र को खत्म करने के लिए, और मैं वहां सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। मीटिंग भले ही कल होनी है, लेकिन नेताओं का आना आज से ही शुरू हो गया है, इसलिए बिहार के विपक्षी दल भाजपा ने भी पटना में अपने विरोधियों के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी की तैयारियां इतनी अनूठी हैं कि जनता तक उनकी बात तो पहुंच ही रही है, पर मजाकिया अंदाज में। भाजपा ने पूरे बिहार की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार पर वार करते हुए एक पोस्टर का शीर्षक दिया है, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे गठबंधन के भ्रष्टाचारियों संग। भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि सारे लोग भ्रष्टाचार के जो मुकदमे चल रहे हैं कांग्रेस, आरजेडी और बाकी, इनको डर है कि नरेंद्र मोदी लौट कर आ गए तो कोई बचेगा नहीं, जेल चला जाएगा, तो जेल जाने के डर से एक हो रहे हैं। तो इसलिए इस एकता का कोई मैसेज बिहार की जनता में नहीं जाने वाला है। अब तो माझी जी भी हमारे साथ आ गए, उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए, आरसीपी सिंह भी आ गए, इनके साथ एक भी नई पार्टी जुड़ी है क्या? इतना ही नहीं, बीजेपी ने सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद की राजनीति पर भी करारा प्रहार किया है और लिखा कि हल्ला है हर ओर, बिहार में मिलने लगे सारे चोर।